गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बात की थी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज की। अब हमने बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड और भी एंट्रीज होती हैं जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इन एसेट्स को बेचने और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको वेयर करने से रिलेटेड कुछ और जनरल एंट्रीज होती है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला केस दिया हुआ है व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, सिंपल एंट्री हो गई। जब एक्सपेंसेस फर्म ही पे कर रही है तब क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिस फॉर्म में पे किया जाएगा यानी कैश दी गई होगी तो कैश क्रेडिट करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ओके, उसके बाद आता है व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, अ पार्टनर, किसके बिहाफ पे कर रहा है, फर्म के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या एंट्री हमने बनाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ पे क्या था, फर्म के एक्सपेंसेस थे, फर्म ने ही पे की तो हमारी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या है, फर्म के एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म को बियर करने चाहिए थे लेकिन एक पार्टनर ने बियर कर दिए फर्म के बिहाफ पे, तब हम एंट्री क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दिया हुआ व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। इस केस में क्या बताया गया कि फर्म ने डिसाइड किया कि एक निश्चित अमाउंट हम पार्टनर को पे कर देंगे, किस लिए पे करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को वियर करने के लिए। ठीक, उसके बाद पार्टनर ने अपने अकाउंट से या अपने आप सारे एक्सपेंसेस वियर किए, मींस चाहे वो एक्सपेंसेस 4000 हुए हों, फर्म ने डिसाइड किया 2000 रुपये हम दे देंगे और फिर चाहे 4000 हो या 1000 हो, फर्म के ऊपर कितनी लाइबिलिटी अगर होगी, केवल 2000 रुपए की, कितना खर्चा हो रहा उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ केस आता है हमारा व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर। एक एक चीज ध्यान रखिएगा, When realization expenses are to be borne by the partner, किसको बियर करने, पार्टनर को, and the expenses are paid by the firm, करने बियर थे पार्टनर को, expenses पे कौन कर रहा है, पार्टनर, सॉरी फर्म, तो हमारी क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, हम उतने अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। ओके, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, पार्टनर पे कर रहा था बिहाफ पे फर्म, फर्म के बिहाफ पे, यहाँ पे भी पार्टनर पे कर रहा था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर को बियर करने थे लेकिन उसके बिहाफ पे किसने पे कर दिए हैं, फर्म ने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक, अब लास्ट केस हमारा बचता है, नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर किसी पार्टनर ने अपने आप ही अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस को बेयर भी किया, उनको पे भी कर दिया है, तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस किसके हो गए, पर्सनली पार्टनर के, ना कि फर्म के वो एक्सपेंसेस रह गए, इसलिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके, ये आपके हो जाते हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड सारे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे जनरल एंट्रीज, सारे केस। अब हम लोग कल से रियलाइजेशन अकाउंट पे न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक्स।